press on subscribe button and hit the bell icon. In this video, all information is as per my view and experience. Hello, namaste, kim chho. My name is Vrinda and welcome to my channel Indians Foreign Life. ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. जब हम इंडिया के अंदर होते हैं तब कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही पूछते हैं कि भाई ये कॉलेज के अंदर पढ़ने के बाद इसकी डिग्री लेने के बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं. उसी तरह से जब कोई फॉरेन आता है तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भाई रेसिडेंसी हो जाएगी या नहीं, इजी है या हार्ड है. तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और हम बहुत सारी बातें करेंगे स्पेसिफिकली ऑन दैट टॉपिक. आई एम लिविंग इन न्यूजीलैंड सो आई हैव अ मोर नॉलेज अबाउट न्यूजीलैंड. But this all topic or this all factor simultaneously affect different countries as well. So, पहली चीज है, don't look at other. Yes. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर इंडिया में कोई आता है और उनसे बात करता है, अंकल है या कोई भी है, तो वो लोग सेटल होने के और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कई बार जो ट्रूथ है वो बताते नहीं है. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हमें जानने मिलती है वो हमें अट्रैक्ट करती है. लाइक किसी ने एक्सपेंसिव वॉच पहनी हो, जैकेट एक्सपेंसिव हो, शूज एक्सपेंसिव हो, तो हमें लगता है कि भाई उसके तो मजे ही मजे है, चलो हम फॉरेन चले जाते हैं. लेकिन आपको दूसरों का एक्चुअली देखना नहीं है, बिकॉज इन न्यूजीलैंड एवरी वन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एवरी वन हैव अ डिफरेंट सिचुएशन. तो आपको देखना है कि अच्छा अगर मुझे न्यूजीलैंड आना है या मुझे फॉरेन कंट्री के अंदर जाना है तो व्हाट विल बी माय गोल, कि मुझे सबसे पहले क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर. तो आपका जो फंडा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मुझे जॉब लेनी है, मुझे अपनी रेसिडेंसी करवानी है, आई वॉन्ट टू सेव सम मनी. ये सारे फंडा आपके अंदर क्लियर होने चाहिए. और सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में डाल ही लेनी है क्योंकि या मुझे थोड़ी मेहनत बिगिनिंग में पड़ेगी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि जाते ही आप डॉलर्स कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आपको बहुत सारी स्ट्रगल बिगिनिंग में होती है, बिकॉज कोई भी कंट्री के अंदर आप जाओ वो कंट्री आपके लिए नया होता है. उनके लोग, उनके तौर तरीके, वहां की लाइफ स्टाइल, वहां पे जॉब मिलना, वहां पे सेटल डाउन होना, रेसिडेंसी करवाना, वो सारी चीज बहुत डिफरेंट होती है. तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो एनवायरमेंट को जानने के लिए और वहां पे सेटल डाउन होने के लिए. तो दिमाग में ये चीज आपको बिठा के ही रखनी है कि अच्छा मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रगल थोड़ी पड़ेगी ही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी. सेकेंड थिंग इज द वे यू आर फाइंडिंग योर जॉब. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मेरा बेटा तो गया और फटाफट उसका रेसिडेंसी आ गया. और कई सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो बहुत साल से रह रहे लेकिन फिर भी उनका रेसिडेंसी क्लियर नहीं हुआ होता है. तो इन केस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब होती है वो शॉर्ट स्किल में आती है और कई सारे लोगों की जॉब शॉर्ट स्किल में नहीं आती है. अभी जिनकी शॉर्ट स्किल में जॉब आ रही है उनके लिए थोड़ा ईजी होता है. ऐसा नहीं है कि बस शॉर्ट स्किल में हुआ तो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. बिकॉज उसके अंदर भी आपको पर्टिकुलरली फुल टाइम जॉब मिलना जरूरी होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो आपको मैच करने होते हैं, या IELTS स्कोर ये पर्टिकुलर लाना है, थोड़ा हाई होता है उन लोगों की जॉब के अंदर. तो आपको ये सारे सिचुएशन का बराबर पता होना चाहिए क्योंकि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब क्या आ रही है और उसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये जगह पे मेरा रेसिडेंसी नहीं हो रहा है तो कोई और स्टेट में मैं चले जाता हूँ या यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ. और कई सारे लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो इस तरीके से सेटल नहीं हो सकता या फिर मैं इस तरीके से मूव नहीं कर पा रहा हूं. तो ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना फ्लेक्सिबल है.
और आप कितना कमिटेड है उस चीज के लिए. थर्ड इज विच कोर्स यू आर सिलेक्टिंग. यस, यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पता कर लीजिए कि आपके कोर्स की अपॉर्चुनिटी कितनी है. न्यूजीलैंड इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज की डिमांड इतनी नहीं होती है. तो बहुत सारे इंडिया में एजेंट्स बोलते हैं कि अच्छा आप ये कोर्स लेके चले जाओ, लेकिन उसके अंदर जॉब मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छा न्यूजीलैंड के अंदर, अगर आप इंडिया में हो अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की इंडीड है, सिक है और ट्रेडमी है, वो सारी वेबसाइट के ऊपर जाइए, अपनी जो जॉब प्रोफाइल है उसका नाम डालिए और देखिए कि कितनी कितनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वहां पे. तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये स्टेट के अंदर अभी 2-3 जॉब्स है, ये स्टेट के अंदर 10-12 जॉब है, तो अच्छा मेरी जो जॉब प्रोफाइल है उसकी वैल्यू ज्यादा ये स्टेट के अंदर है. तो उस तरीके से आप पता लगा सकते हो और आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि अच्छा इस कोर्स की तो ज्यादा है तो शायद मैं ये कोर्स कर सकता हूं, तो मेरा रेसिडेंसी है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा. तो जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मेक श्योर कि आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार रिग्रेट होता है कि अरे यार इसकी जगह मैंने ये कोर्स कर लिया होता तो शायद मेरा रेसिडेंसी जल्दी क्लियर हो जाता. फोर्थ थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ. यस, बहुत सारे लोग कई बार क्या होता है कि न्यूजीलैंड आ जाते हैं या कोई भी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको थोड़ी बिगिनिंग में स्ट्रगल होती है, इंडिया के अंदर तो माँ हाथ में सब कुछ दे देती है, डैडी होता है लुक आफ्टर करने के लिए, भाई होता है पूरी फैमिली सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन फॉरेन के अंदर जब आते हैं तब हम अकेले होते हैं बिगिनिंग में, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ पे आ गए, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं माइंड के अंदर. तो उस सिचुएशन के अंदर आपको अपने अंदर बिलीव रखना बहुत जरूरी है. और उस पर भी किसी फ्रेंड का या 2-3 फ्रेंड का रेसिडेंसी आ गया तो ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अरे उसका क्लियर हो गया, मेरा तो अभी वीजा एक्सपायर हो जाएगा, मेरा कब होगा रेसिडेंसी. तो आपको ये सारे टेंशन नहीं लेने हैं, आपको अपने पर विश्वास रखना है और बस आपको यही फोकस करना है कि नहीं मैं अपना खुद का ही, हमें दूसरों का नहीं देखना है, अपना खुद का ही देखना है और चलते जाना है चलते जाना है. अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे भी मिरेकल बहुत टाइम होते हैं. मेरे साथ तो बहुत ऐसा सिचुएशन आया है जहां पे मैंने इमेजिन भी नहीं किया होता है और सब कुछ फटाफट बैठ जाता है. और कई बार हम लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं जिस चीज के पीछे और वो चीज हमें मिलती ही नहीं है. तो ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ, लेकिन आपको हर सिचुएशन के अंदर आपके अंदर बिलीव और विश्वास रखना है कि नहीं मैं ये सब सारे सिचुएशन को फेस करके अपना रेसिडेंसी करवा लूंगा. फिफ्थ थिंग इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन. यस, कई लोगों को पता नहीं होता है कि और यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. लाइक जब मेरा रेसिडेंसी हुआ था तब IELTS का रिक्वायरमेंट नहीं था कि 6.5 बैंड चाहिए, लेकिन अभी अगर आपको रेसिडेंसी डालनी है तो आपको कंपल्सरी 6.5 बैंड रिक्वायर होता है. तो इस तरीके से सारी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कौन कौन से आपके फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, अगर कोई और जगह पे जाते हैं तो कौन से पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखनी होती है. और ये सारी चीजें आप जब आपका स्टूडेंट वीजा चल रहा है तभी, ऐसा कई लोग बहुत लेजी होते हैं जब वो आते हैं तब वो सोचते हैं कि अरे यार हमारे इंडिया में तो हमारे मॉम डैड और सबके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, अगर मैं इंडिया भी चला जाऊंगा वापस तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेक श्योर कि आपका गोल क्या है. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं तो आई प्रिफर कि आप इंडिया के अंदर कुछ अचीव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग में तो आपको स्ट्रगल ही फेस करनी होती है. ऐसा नहीं होता है कि आते टाइम ही सब कुछ अच्छा अच्छा सेटल डाउन हो गया. तो अगर आपको आना है यहाँ पे तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए और या इस तरीके से न्यू अपडेट्स है रूल्स की रेगुलेशंस की वो आपको ध्यान में रखनी है, तो वो आपकी रेसिडेंसी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अभी 6 है हार्ड वर्क. यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही मेहनत करते हैं,
कई लोगों को लगता है कि फॉरेन के लोग एक्सपेंसिव चप्पल पहनते हैं, पूमा, नाइकी, एडिडास ऐसी ब्रांडेड चीजों का यूज करते हैं, तो वो सारे रिच है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही स्ट्रगल होती है, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन सबका सिचुएशन बहुत डिफरेंट होता है। आप कौन से सिनारियो और कौन सी फैमिली बैकग्राउंड में से आते हैं वो भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे। अगर आप कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड में से आ रहे हैं जहाँ पे वो पुअर है, इतना पैसा नहीं है, और आप यहाँ पे पैसा कमाने के पर्पज से आ रहे हो, यहाँ पे सेटल डाउन होने की वजह से, या फिर आपके फैमिली को आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो उन लोगों की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। कई सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन होता है कि उनका फैमिली, वो इंडिया से पैसे मंगवाते हैं यहाँ पे, तो उनका सिचुएशन भी डिफरेंट है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ कुछ मैटर ही नहीं करता है, पैसा वैसा यहाँ पे कमाना होगा तो कमाएंगे, वरना कोई चिंता नहीं है, तो उनका सिनारियो भी बहुत डिफरेंट है। तो आप कौन से सिनारियो के अंदर आ रहे हो, कौन सा क्राइटेरिया आपको फिट हो रहा है, तो उस वजह से आपकी सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको हार्ड वर्क करना है यहाँ पे, और बिलीव मी, अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपको सब मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। और कई सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि अरे हमने तो बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही हार्ड वर्क किया था रेसिडेंस, फिर भी नहीं हुआ हमारा। तो आपको निराश नहीं होना है, इवन दो आप यहाँ पे आएंगे, स्टडी आपने किया है, आपने यहाँ पे कोई कंपनियों में काम किया है, तो इंडिया जाके भी आपको ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म ही हो जाएगी उसके बाद। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो लोगों का रेसिडेंसी नहीं हुआ और वो इंडिया वापस चले गए, लेकिन फिर भी वो अच्छी सैलरी अभी वो भी कमा रहे हैं। या अगर आप न्यूजीलैंड में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डॉलर्स के अंदर आपको कमाना है और डॉलर्स में आपके खर्चे, इंडिया के अंदर आपको रुपीज में कमाना है और रुपीज में आपके खर्चे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थोड़ा फर्क तो डेफिनेटली पड़ता ही है अगर आप फॉरेन में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप हार्डवर्क कर लेंगे तो आपको सोचना है कि कोई बात नहीं, अभी मैं कर लूंगा, बाद में मेरी लाइफ सेटल है, ऑल क्लियर। लेकिन ये मैंने बताया, सबकी अलग अलग चॉइस होती है और सबका थिंकिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रेसिडेंसी हो, और अगर आपको रियली वो चीज चाहिए, तो बी रेडी टू डू हार्ड वर्क एंड फाइट। लास्ट थिंग इज ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। यस, अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंडिया में तो चलो हमारा फैमिली होता है, सारे रिश्तेदार होते हैं, तो अगर हमें जॉब चाहिए होता है तो हम पूछते हैं कि अच्छा मुझे जॉब चाहिए, और आपको पता होता है सब गाइड कर देते हैं आपको कि अच्छा ये कंपनी में जाओ, मेरा भाई यहाँ पे है, मेरा साला यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, तो वो सब कुछ आपको गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कंट्री आपके लिए नई होती है, आपको पता नहीं होता कि किससे पूछे। तो मैं क्या करती थी, जब मैं आई थी नई नई यहाँ पे, तो मैं सीवी लेके स्ट्रीट पे घूमा करती थी, क्योंकि सारी मैंने फार्मेसी किया था, तो मैं सारी फार्मेसी में जाती थी और पूछती थी। और ट्रस्ट में, मेरे साथ मिरेकल भी हुआ था कि मैं फार्मेसी में गई और एक भैया वहां पे काम कर रहे थे, वो फार्मेसी का ऑनर तो डिफरेंट था, वो इंडियन नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे समझाया कि अच्छा यहाँ पे न्यूजीलैंड में इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की। तो पता नहीं आपको कोई अच्छा बंदा इंडियन मिल जाए और वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दे और उससे आपका फायदा हो जाए या फिर आपकी जॉब लग जाए, तो आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कि अच्छा वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी। आपको यही सोचना है कि अच्छा मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए और मुझे अपनी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको कोई भी इंडियन को पकड़ के पूछना है, इट्स फाइन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ऐसा बोलेगा कि यार इसको जानता भी नहीं था मैं, और ये देखो पूछने आ गए, क्या फर्क पड़ता है। आपको यही सोचना है कि अगर इट्स फाइन, क्योंकि आप वहां पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं आपको, बहुत गोरे लोग भी हेल्प करते हैं, गोरे भी बहुत स्वीट होते हैं, अगर उनकी नजर में कोई जॉब हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो आपको शर्माना नहीं है, सबसे जाके पूछना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी जॉब के लिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सबको फोन भी आप कर सकते हैं अगर किसी का नंबर आपके पास हो, या फिर
कोई ग्रोसरी शॉपिंग में चले गए और वहां पे आपको कोई मिल गया तो उससे भी पूछ सकते हैं. इट्स फाइन. सो गुड लक. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. Please, please subscribe my channel and share this video so in foreign might be this content is useful for someone. Thank you.